भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी साइंस डे मनाया गया, जिसमें साथ लगते महाविद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया। साइंस डे के उपलक्ष्य पर छात्रों से क्विज और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के बारे में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देवव्रत शर्मा ने आयोजित प्रतियोगिता व कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। आज जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने इस रोज जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके रामन इफेक्ट के लिए, जो स्कैटरिंग के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। और लगातार हम 1987 से इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, और आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने भी अपने परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि हमारे जो विश्वविद्यालय के नज़दीक के 7 महाविद्यालय और 7 विद्यालयों के बच्चे जो है उन्होंने जो विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई यहाँ पे, जैसे क्विज कंपटीशन हुआ और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया और विजेताओं को उसमें हमने पुरस्कृत भी किया। और इस अवसर पे हमारे एक साइंटिस्ट है, वो ऑनलाइन भी उनका लेक्चर यहाँ पे करवाया गया, और बाकी हमारे विश्वविद्यालय के सभी जो प्राध्यापक और विद्यार्थी, खासतौर पे जो विज्ञान संकाय के हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। इससे मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है, एक साधारण परिवार में जन्मे हुए बहुत ही अभाव में पले हुए व्यक्ति ने जो एक खोज की जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला, अपने विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलती है कि आज के समय में वो भी इस तरह से अपने साइंटिफिक टेंपर को आगे बढ़ा सकते हैं।